नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और एक बड़ी खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। चार बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने बड़े खिलाड़ी होंगे, इस बात का अंदाजा शायद सिंधिया और उनके समर्थकों को नहीं था। क्यों कांग्रेस के विधायक लगातार तोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे शिवराज की एक राजनीतिक चाल है, उसे सिंधिया समर्थक समझ नहीं पाए और जाल में फंस गए। सिंधिया पर निर्भर शिवराज सरकार अब आत्मनिर्भर बनना चाहती है, जिसके चलते फिर से उसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की जरूरत आन पड़ी है। और इसके पीछे भी विधानसभा का अंक गणित है, जिसे फिर से समझना होगा। 230 सदस्य सदन में सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत होती है। भाजपा के पास 107 है। उपचुनावों में उसे 9 सीट पर जीत की जरूरत होगी और अगर ये 9 सीटें सिंधिया समर्थक विधायक जिताएंगे तो शिवराज के लिए मुश्किल होगी। सिंधिया समर्थक विधायकों की निष्ठा भाजपा में ना होकर सिंधिया में है, इस तरह शिवराज सरकार सिंधिया की बैसाखी पर ही टिकी होगी। नतीजन सिंधिया की मांगे मानना भाजपा की विश्वस्तता होगी। गौरतलब है कि हालिया मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों में विभागों के आवंटन में सिंधिया का ही मनमानी चली है। सिंधिया के दबाव के आगे शिवराज और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तक को झुकना पड़ा और सरकार के 34 मंत्रियों में से 14 मंत्री उन 22 विधायकों में से बनाए गए जो कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए थे। इसी तरह मंत्रियों में जब विभागों का बंटवारा किया गया तब भी सिंधिया ने दबाव बनाया और अपने समर्थक विधायकों को मलाईदार विभाग दिलाने में सफल रहे। सिंधिया की यही मनमानियां भाजपा को खटक रही है और उसने सरकार में सिंधिया का हस्तक्षेप कम करने के लिए यह फॉर्मूला निकाला है कि वह कांग्रेस के कुछ और विधायक तोड़े, फिर इन गैर सिंधिया समर्थकों को अपने टिकट पर चुनाव जिताएं। अभी की बात करें तो 27 सीटों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें 22 सिंधिया समर्थकों की सीट है और 3 कांग्रेसी विधायक अभी भाजपा में आए हैं और 2 विधायकों का पहले ही निधन होने की वजह से सीटें खाली हुई थी। अब शिवराज की कोशिश है बीजेपी अपने बलबूते 9 सीटों का जुगाड़ करे। सिंधिया के रवैये को लेकर भाजपा में नाराजगी है। जयभान सिंह पवैया, अजय विश्वोई और गौरी शंकर शेजवार खुलकर बयान दे रहे हैं। वहीं शिवराज भी खुद को दबाव में पा रहे हैं, इसलिए अब भाजपा एक तीर से कई शिकार कर रही है। पहला, सरकार से सिंधिया का दबाव कम हो जाए। दूसरा, सिंधिया के पर कतर जाए। तीसरा, सरकार भी सुरक्षित रहे। और चौथा, कि कांग्रेस भी कमजोर हो जाए और चुनाव तक उसका मनोबल ही टूट जाए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।